सबको सबसे पहले भारतीय संविधान दिवस की मैं बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूँ, बधाइयां देता हूँ। बहुत ही बढ़िया आयोजन सब यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया ने कार्यक्रम किया है। और साथियों, बहुत ज्यादा वक्त है, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस मैं एक बात कहना चाहता हूँ। संविधान जो है इस देश के प्रत्येक नागरिक की सांस है। इस संविधान के ऊपर आज जो आँच आई है, जो गवर्नमेंट जो चुन ली गई है इस संविधान के बलबूते पर, जिनको चुना गया है एक पद्धति के तहत, वो इसी संविधान को खत्म करना चाह रहे हैं। ये संविधान खत्म ना हो, इस संविधान में लिखी हुई एक भी बात खत्म ना हो, इसके लिए हमेशा जागरूक रहिए, खड़े रहिए। और इसके लिए कुछ भी जरूरत पड़े, इस संविधान पे आँच ना आए, इसके लिए हमेशा जितना भी हो सके अड़िग रहिए। इस संविधान को लिखने में बाबा साहब ने बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी है, पूरा उनका परिवार लग गया, पूरी उनकी मेहनत लग गई, पूरा उनका जीवन लग गया। इसके बाद जो ये संविधान को कभी कोई आँच ना आए, ये हमारी पहली ड्यूटी है कि संविधान को हम बचाएं और अगली पीढ़ी तक ऐसे कैसा इस संविधान को लेके जाए और इस संविधान पे आँच ना आने दे। आप यहाँ देख रहे होंगे, इधर ही कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं आगे पीछे, जो संविधान को ही खत्म करने की बात कर रहे हैं, कह रहे उसमें से रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम हटा दो और घर जाके उसी रिजर्वेशन की मांग हो वहां पटड़िया उखाड़ उखाड़ के करते हैं। ठीक है, तो कुछ भी हो जाए, ये संविधान बदलने नहीं देंगे। ये संविधान ऐसा कैसा रहेगा, अगर उस समय हिम्मत होती तो संविधान लिख लेते। बाबा साहब ने बड़ी हिम्मत से और मुश्किल से संविधान लिखा है और ये संविधान जो का त्यों रहेगा। अब जो सुन रहे हैं वो दोबारा सुन ले, संविधान नहीं बदला जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। इस देश के 85% एक तरफा जो इस देश के नागरिक है वो चाह रहे हैं कि संविधान नहीं बदला जाएगा, तो नहीं बदला जाएगा। और जो बदलना चाह रहे हैं वो थोड़ा सोच समझ गया है, क्योंकि लाठी डंडे के दम पे संविधान नहीं बदला जा सकता, इसके लिए पढ़ना पड़ता है। बाबा साहब हमारे पढ़े लिखा, ये इधर उधर घूम गए और धक्के खाकर झंडा उठा के संविधान नहीं बदले जाते हैं। संविधान लिखने के लिए हिम्मत चाहिए, तो बदलने के लिए उसे डबल हिम्मत चाहिए। संविधान जो का तो रहेगा, और जो बदलना चाह रहे हैं अगली बार उनको मिट्टी में मिला देंगे वोट की पावर से, उसी संविधान की पावर से। कभी सत्ता में नहीं आने देंगे, और उस सत्ता में वो बैठेगा, वो चेयर नहीं बैठेगी जो इस संविधान को बचाएगी, संविधान का गरिमा रखेगी, संविधान का मान रखेगी। वही शेरनी इस देश की सत्ता में बैठेगी और उनको बता देंगे, जो संविधान बदलने की बात बार 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 कर रहे हैं, कि तुम्हारे बाप दादा उसे ना लिखा गया, तुम बदलने की सोच भी नहीं सकते, तुम्हारी औकात नहीं कि सोच भी लो तुम। तो साथियों, संविधान को बचाए रखना है, संविधान का मान सम्मान रखना हमारा स्वाभिमान है संविधान, और संविधान के लिए हम मर कटेंगे। और दूसरी बात, जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, रिप्रेजेंटेशन का विरोध करते हैं, ये संविधान का एक आर्टिकल है। संविधान का जो आरक्षण का विरोध करते हैं, संविधान के आर्टिकल्स का विरोध करते हैं, जो आर्टिकल्स का विरोध करते हैं वो संविधान का विरोध करते हैं, और जो संविधान का विरोध करते हैं वो देशद्रोही है इस देश में। और उन लोगों को इस देश में रहने की जरूरत नहीं है, जो इस देश के संविधान का सम्मान रखेगा वो यहाँ रहे, वरना भाग जाए यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है। संविधान देश के हिसाब से, देश जो संविधान के हिसाब से चलेगा, पहले चलता है आगे चलता रहेगा। बहुत हो गया तुम्हारे समृद्धि पुराणों के हिसाब से देश चल लिया, अब नहीं चलेगा इसके बाद। इसके बाद बाबा साहब का संविधान है जो राइट इक्वालिटी देता है, एंड ओपन टचेबिलिटी देता है, जिससे तुम लोगों को दिक्कत है। संविधान जो कहते हो रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, इसके लिए हम अपनी पूरी पूरी जी जान लगा देंगे। संविधान के रक्षक हम लोग हैं। ये पंचशील का झंडा, ये तिरंगा झंडा, ये हमारे नीले झंडे, ये संविधान की पहचान है। तिरंगा झंडा संविधान की पहचान है, पंचशील और नीला झंडा संविधान की रक्षा की पहचान है। इसलिए हम इनको साथ लेके चलते हैं और संविधान एज इट इज रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो साथियों, एक पर्ण के साथ 2019 में इलेक्शन आ रहा है, उस इंसान को, उस महिला सशक्ति को सत्ता में बैठा दीजिए, तो इस संविधान को जो का त्यों रख दे, बहकावे बड़े आएंगे, बहकावे बड़े आएंगे। कोई इधर खींचेगा, कोई उधर खींचेगा, खींच मत जाना, कुछ भी हो जाए, ये संविधान है। इस संविधान को बचाना, इस संविधान की गरिमा को बचाना, अपनी इज्जत आबरू को बचाना, संविधान को एज इट इज रखना है। तो ध्यान रखिएगा, बटन ठीक जगह पे दबले, उंगली कांप ना जाए, ध्यान रखिएगा इस बात का, उंगली ठीक जगह पे आनी चाहिए और बढ़िया तरीके से आनी चाहिए। हमें कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, हर हाल में रखना है, और जो इसके बारे में सोचे वो कॉन्स्टिट्यूशन विद्रोही नहीं, वो देशद्रोही है। इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय भीम। नमस्कार।